है आपका? खुर्शीद अहमद, जी खुर्शीद अहमद कहाँ रहते हो आप? मोहनजे मुंडिया हाफिज, थाना कौन सा आपका? थाना वजपुरा। क्या हुआ था? ये जो बता रहे हैं जैसे विवाद यहाँ पर हुआ था, तो क्या मौजूद थे आप वहाँ? हाँ मैं मौजूद था। क्या देखा आपने, बताओ? देखा गया ये जो लड़ाई चल रही थी वो एक मामा भांजे की बात चल रही थी, किसी और का मैटर नहीं था, सिर्फ आपस में मैटर था वो। जी होने बाद में उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों को हमने वोट नहीं दिया। जी हाँ तो उन्होंने अपनी रंजिश यानी वोटों वाली जो वोट नहीं दिया, उन्होंने पहले क्या रखा था जो वोट नहीं देगा उसको हम मारेंगे। तो अच्छा, इस बिना से उन्होंने हमारी बात चली, वो बीच में कूद पड़े, कूदने बाद में फिर हमारे जो बुजुर्ग थे वो बचाने लगे, यानी लड़ाई को क्षमा कराने के लिए। जी उन लोगों ने उधर से आके हम किन लोगों पे लोगों ने, हमला कर दिया, किन लोगों ने? यानी साद चौधरी की पार्टी वालों ने, जो भी है जो कैंडिडेट है जैनुल, उन लोगों में फहीम इंतजार इंतखाब बाग इस्तार वाहिद बाजिद अब्दुल वहाब अब्दुल खालिद जलीस अहमद जी और अताउर रहमान वगैरह, ये सब थे। मुनीम जी और कमर जफर जी वगैरह जितने भी दोनों परिवार के सारे बंदे थे उधर से, सद्दीक अहमद शकील अहमद जी सारे बंदे। होने बाद में उन्होंने हमें मारा, हमारे भाई की आँख फोड़ दी। उसके बाद में हमारे और जो चचा था उनके भी सर फूटे उसमें। फूटने बाद में लोगों ने फिर इनसे नहीं रहा मिला, जब हम लोग साइड से हो गए उसके बाद में उन्होंने हमारे घर पे तोड़ फोड़ की, वहाँ लड़कियाँ थी उनकी बेइज्जती करने के लिए। अच्छा, तो मतलब जो भी घटना घटी तो उसके मतलब सूचना थाने में भी दी होगी? अब थाने में सूचना दी थी, हम लोग गए भी थे वहाँ पे इतला करने के लिए, मगर वहाँ से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब क्या चाहते हो आप? इंसाफ चाहते हैं, हमारे भाई की आँख फूटी है तो उसका इंसाफ, लोगों जेल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अब्दुल कदीर। कहाँ रहते हो आप? मंडिया हाफिज बोल रहे हैं। तो ये जो विवाद हुआ था क्या जानते हैं? क्या वहीं पर थे जब विवाद हो रहा था? हाँ, विवाद के बारे में पूरा जानते हैं। बताइए। जानते हैं वहाँ पे हम मौजूद थे, 5:30-6 बजे की बात थी लगभग। तो वहाँ पे बस यही चल रहा था कि वोटों में कि हम जीत रहे हैं हम जीत रहे हैं। मतलब मेन मुद्दा इसमें विवाद का क्या है? मेन मुद्दा विवाद का इसका वोटों का है, इसको हम लोगों ने वोट नहीं दिए। जी ये वोटों की झलम को उतारने लगे, फिर लड़ाई करी इन्होंने वोटों के खातिर कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, तो इसलिए जो टूट पड़े हम पर सब। गलती किसकी थी इसमें? हाँ जी, गलती किसकी थी? गलती तो उन्हीं लोगों की थी, हमारा तो कोई मैटर ही नहीं। किन लोगों का? इरशाद अहमद है और फहीम है। अब तो कहाँ रहते हैं ये लोग? हाँ जी, कहाँ रहते हैं ये लोग? ये यही गोंटिया मंडिया ऑफिस के रहने वाले हैं, इनका पूरा ग्रुप है। एक हमारे वो जलीस अहमद है, अतार रहमान, असगर। तो अब मतलब क्या कार्रवाई वगैरह हुई या नहीं हुई? क्या जी, कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कार्रवाई तो वहाँ पे इतला दी गई है थाने में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे कोई पुलिस वुलिस अभी आए नहीं उन लोगों पे। क्या चाहते हो आप लोग? बस न्याय चाहते हैं कि न्याय मिले बस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर। कहाँ रहते हैं आप? मोडिया हाफिज गोंडिया। जी कौन है आपके? ये मेरे गांव के लोग बंदा है। गांव के बंदे हैं। तो जो घटना घटी थी, जो विवाद हुआ था, क्या जानते हैं? जानते क्या है, ये तो पूरे गांव के लोगों ने देखा है कि वोट ना देने की वजह से उन लोगों ने, पूरे परिवार वालों ने, जिन जिन लोगों को मारा है, सब लोगों ने वोट नहीं दिया था, इस लोगों से इस वजह से उन लोगों को मारा गया है। और उस सबसे ज़्यादा तो दुख इस बात का है कि उस बंदे की आँख फोड़ दी गई, जो लड़का उस लड़ाई के दौरान वहाँ मौजूद भी नहीं था, और वो उसी टाइम आया था जबकि उसके भाई को मार रहे थे वो लोग। उससे पहले वो कहाँ था? उससे पहले वो बंदा हथियारी का सामान लेने के लिए गया था घर तस्वीर। अच्छा, जब वो आया उसने देखा मेरे भाई को मार रहे हैं, तो बोल वो लौंडा बचाने के लिए गया, बचाने के लिए गया तो उस पर ही हमला बोल दिया, उसकी आँख फोड़ दी गई। अच्छा, आँख में जिसकी। तो अभी मतलब कहाँ पर है वो? इस टाइम तो एडमिट है अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? अच्छा, तो अब क्या मतलब चाहते हो आप? हम तो सर कार्रवाई तो कर दी गई है, मगर उसका कोई अभी तक रीजन नहीं मिला है। हम ये चाहते हैं कि उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसको इंसाफ मिले।